नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ट्रीज़ के बारे में देखा, कुछ प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया ट्री की, उन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने की कोशिश की और ट्री के कुछ एग्जांपल्स लेकर के उसमें डिस्टेंस, रेडियस, डायमीटर, इसेंट्रिसिटी, ये सब चीज़ें जानने की कोशिश की। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरी कंसेप्ट की तरफ देखते हैं जिसका नाम है स्पैनिंग ट्री। जैसा कि नाम से ही लगता है कि ये भी एक स्पेशल प्रकार का ट्री है, तो इसको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ और फॉरमोस्ट चीज़, कोई भी स्पैनिंग ट्री हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक ग्राफ परिभाषित होता है, विद रिस्पेक्ट टू ए ग्राफ। तो स्पैनिंग ट्री का वजूद, स्पैनिंग ट्री की इम्पॉर्टेंस किसी भी ग्राफ के अंदर है, स्पैनिंग ट्री की अकेले में कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है, पहली चीज़। नंबर दो, स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन के तौर पर अगर हम बताएं तो एक ऐसा सब ग्राफ किसी भी ग्राफ का जिसके अंदर सभी वर्टिसेस हों और कोई सर्किट ना हो, स्पैनिंग ट्री कहलाता है। मैं फिर से बोलता हूं, किसी भी ग्राफ जी में कोई एक ऐसा ट्री जो सभी वर्टिसेस को होल्ड करता हो, ऐसे ट्री को स्पैनिंग ट्री कहते हैं। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर से परिभाषा पर आता हूँ। माना कि ये कोई ग्राफ बना हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी स्पैनिंग ट्री की इम्पॉर्टेंस उसके अंदर बने हुए ग्राफ पर ही है, ग्राफ के बगैर स्पैनिंग ट्री की कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है। तो सपोज ये एक ग्राफ बना हुआ है, जी कहते हैं हम इसको, इसके अंदर अगर कोई मैं एक ऐसा ट्री फाइंड आउट करूं जो सभी वर्टिसेस को होल्ड करता हो, तो ऐसे इस ट्री को हम स्पैनिंग ट्री कहेंगे। ध्यान से देखेंगे, ये मैं नीले मार्कर से एक स्पैनिंग ट्री बना रहा हूं इस ग्राफ के अंदर, ध्यान से देखिएगा, V1, V2, V3, V4, V5, V6 और V7, सात वर्टिसेस हैं इस ग्राफ के अंदर। इन सातों वर्टिसेस को होल्ड करता हुआ अगर कोई ट्री इस ग्राफ के अंदर मुझे मिलता है, वो ट्री स्पैनिंग ट्री कहलाएगा। तो ये देखिएगा, जो मैंने बनाया है, दिस इज होल्डिंग V1, V2, इज आल्सो होल्डिंग V4 एज वेल एज V5, V3, V6 एंड V7, एंड इट इज़ ए ट्री। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी सर्किट नहीं है, इस वजह से ये एक स्पैनिंग ट्री होगा विद रिस्पेक्ट टू गिवन ग्राफ। आश्चर्यजनक रूप से किसी भी ग्राफ के अंदर बहुत सारे स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। आप अभी मुझसे कह सकते हैं कि आप इस वाली एज को ना लेकर के अगर हम इस वाली एज को ले लेते हैं, इस वाली एज को ले लेते हैं, तो क्या ये स्पैनिंग ट्री होगा? हाँ, ये भी एक स्पैनिंग ट्री होगा। अब स्पैनिंग ट्री होगा V1, V2, V3, V4, V6, V7 और उधर V5, ये एक नया स्पैनिंग ट्री होगा। तो किसी भी ग्राफ के अंदर बहुत सारे स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं ये एक अलग विषय है, लेकिन एक ग्राफ के अंदर बहुत सारे स्पैनिंग ट्री संभव हैं। किसी भी स्पैनिंग ट्री
में जो एजेस इंक्लूड होती हैं, जो एजेस शामिल होती हैं, उन एजेस को ब्रांचेस कहते हैं। तो अगर अभी मैं थोड़ी देर इस ग्राफ में एजेस के नाम लिख देता हूँ, E1, E2, E3, E4, E5, E6, 7, 8, 9 एंड 10, 10 एजेस हैं इस ग्राफ के अंदर। तो अगर मैं स्पैनिंग ट्री जो ST बनाया है मैंने, स्पैनिंग ट्री 1, उस स्पैनिंग ट्री के अंदर कौन कौन सी एजेस हैं, E1, E2, E3, E6, 7 एंड 8, तो मैं यहाँ लिखे देता हूँ उनको, E1, E2, E3, E6, E7 और E8, ये सब एजेस हैं इस स्पैनिंग ट्री के अंदर। बाकी जो एजेस बच गई वो एजेस मैं अगर लिख लूँ, E4, E5, E10 और E9, सो E4, E5, E9 और E10, तो ये एजेस कहलाएंगी ब्रांचेस ऑफ द स्पैनिंग ट्री, और जो बची हुई एजेस हैं वो कहलाएंगी कॉर्ड्स, CHORDS, कॉर्ड्स, राइट। तो वो एजेस जो किसी भी स्पैनिंग ट्री में शामिल होती हैं उन एजेस को हम ब्रांच बोलते हैं, और जो एजेस लेफ्ट आउट होती हैं, जो बची हुई एजेस होती हैं उस ग्राफ की, उन एजेस को हम लोग कॉर्ड्स बोलते हैं। क्विकली देखें कि किसी भी स्पैनिंग ट्री में कितनी एजेस हो सकती हैं। एक ट्री के अंदर n-1 एजेस हमेशा होती हैं, तो ब्रांचेस जो होंगी वो हमेशा n-1 होंगी, हमेशा n-1 ब्रांचेस होंगी किसी भी स्पैनिंग ट्री में किसी दिए हुए ग्राफ के। बाकी अगर टोटल नंबर ऑफ एजेस उस ग्राफ के अंदर e हैं, तो e में से अगर मैं n-1 निकाल देता हूं तो बचता है मेरे पास e माइनस ब्रैकेट में n-1, इसका मतलब e-n+1, ये होती हैं कॉर्ड्स। तो ब्रांचेस हमेशा n-1 और कॉर्ड्स हमेशा e-n+1। अगर मैं कहूं कि एक ग्राफ है जिसमें 10 वर्टिसेस हैं और 21 ब्रांचेस हैं, अभी मैं कहूं कोई एक ग्राफ है जिसके अंदर 10 वर्टिसेस हैं, 21 ब्रांच, 21 एजेस हैं, सॉरी 10 वर्टिसेस हैं और 21 एजेस हैं, आप बताइए उसके स्पैनिंग ट्री में कितनी ब्रांचेस होंगी। आप तुरंत कहेंगे 10-1, 9। आप उसके अंदर कितनी कॉर्ड्स होंगी, e की जगह आप 21 रखेंगे, 21-10, दैट इज 21-10, 11, +1, 12, 12 कॉर्ड्स होंगी, 9 ब्रांचेस होंगे। दोस्तों स्पैनिंग ट्री का कोई भी अपने आप में इंपॉर्टेंस नहीं है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको वेटेड ट्री, वेटेड ग्राफ के बारे में बताया था, एक ऐसा ग्राफ जिसकी एजेस पर कोई रियल नंबर लिखी हुई होती है, ऐसे ग्राफ को हम लोग वेटेड ग्राफ कहते हैं। अगर मैं एक वेटेड ग्राफ यहाँ पर कोई भी ग्राफ बनाऊं और उस ग्राफ की एजेस पर कोई रियल नंबर लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये 5 है, ये 7 है, 9 है, 11 है और 4 है, अब ये ग्राफ वेटेड ग्राफ कहलाएगा। ये ग्राफ, ये इस एज का वेट होगा 5, इस एज का वेट 7, इस एज का वेट 9 और इसी तरह से 11 और 4। एक कंसेप्ट आती है मिनिमल स्पैनिंग ट्री की, कंसेप्ट है मिनिमल स्पैनिंग ट्री। मिनिमल स्पैनिंग ट्री का मतलब एक ऐसा, किसी भी ग्राफ के अंदर बहुत सारे ट्री, स्पैनिंग ट्री संभव हैं, एक ऐसा स्पैनिंग ट्री जिसकी सभी एजेस के वेट को अगर मैं जोड़ूं तो वो बाकी सभी स्पैनिंग ट्री के वेट से कम आए, तो ऐसे स्पैनिंग ट्री को हम लोग मिनिमल स्पैनिंग ट्री कहेंगे। बहुत सारे स्पैनिंग ट्री होंगे इसके अंदर, तो सभी स्पैनिंग ट्री की एजेस का वेट अगर मैं जोड़ दूं और उन वेट में जो मिनिमम वेट वाला स्पैनिंग ट्री होगा वो MST कहलाता है। क्या कहलाता है, मिनिमल स्पैनिंग ट्री। अब मिनिमल स्पैनिंग ट्री को निकालने के लिए दो एल्गोरिथम्स हम लोग यूज करते हैं, दो तरीके हम लोग यूज करते हैं। पहली एल्गोरिथम का नाम है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, दूसरी एल्गोरिथम का नाम है प्रिम्स एल्गोरिथम। तो दोनों को हम एक एक करके उनके स्टेप्स देखेंगे। तो क्रुस्कल्स एल्गोरिथम और प्रिम्स एल्गोरिथम दोनों एल्गोरिथम हैं
मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, पहले हम लोग क्रुस्कल एल्गोरिथम देख लेते हैं। तो टू फाइंड आउट द मिनिमल स्पैनिंग ट्री इन ए गिवन ग्राफ यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, तो उस एग्जांपल को मैं पहले बना लेता हूं आपके सामने, ध्यान से देखेंगे। एक वेटेड ग्राफ बनाऊंगा मैं, और वेटेड ग्राफ में हर एज के साथ उसका वेट लिखूंगा। तो ये एक वेटेड ग्राफ बन गया आपका। तो सपोज मैंने इन वर्टिसेस को नाम दे दिया V1, V2, V3, V4 एंड V5। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब मैं इसमें एजेस का वेट लिख देता हूं। तो ये एज V1 V5 के बीच में जो है उसका वेट है 3, इसी प्रकार से ये वेट है 4, ये वेट है 2, ये वेट है 3, ये वेट है 2, ये वेट भी 3, ये वेट भी 3 और ये वेट भी 3। तीन मतलब V1 V4 के बीच में वेट 3 है, V1 V3 के बीच में वेट 3 है, और V2 V3 के बीच में भी वेट 3 है, और इसका वेट 1 है V2 टू V4। तो ये एक ग्राफ है। मेरी प्रॉब्लम है टू फाइंड आउट द मिनिमल स्पैनिंग ट्री यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिथम इन दिस ग्राफ। तो टू फाइंड मिनिमल स्पैनिंग ट्री एंड यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, क्रुस्कल एल्गोरिथम के कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम देखेंगे। पहला स्टेप है सभी एजेस के वेट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है। सो अरेंज ऑल एजेस इन दियर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स, ठीक है। तो करते हैं इसको दोस्तों, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आएगा, सबसे कम हमें वेट दिखाई दे रहा है 1, वो है V2 V4 का। मैंने सबसे पहले V2 V4 लिखा, V2 V4 पहली एज हो गई। उसके बाद दो वेट्स नजर आ रहे हैं मुझे, V2 और V3 का भी 2 है, और V4 V5 का भी 2 है। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसे पहले लिखता हूं किसे बाद में लिखता हूं। तो V2 V4 V2 V3 का लिख लिया मैंने, जिसका वेट 2 है, इसका वेट 1 है, और V4 V5 का भी वेट 2 है, V4 V5 का भी वेट 2 है। तो मैं अब लिखते चले जा रहा हूं इनको। उसके बाद बहुत सारी एजेस हैं जिनका वेट 3 है, और अंत में एक एज है जिसका वेट 4 है। तो मैं सभी एजेस को यहां लिख लेता हूं। जिनका वेट 3 है उनमें कोई सा भी एज को पहले और कोई सी भी एज को बाद में लिख सकते हैं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ रहा है। सो मैंने लिखा V1 V5 जिसका वजन वेट 3 है, V1 V4 जिसका वेट भी 3 है, V1 V3 जिसका वेट भी 3 है, V2 V5 जिसका वेट भी 3 है, और V3 V4 जिसका वेट भी 3 है। मेरे हिसाब से मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 एजेस लिख दी जिनका वेट 3 है। अंत में रह जाती है सिर्फ एक एज V1 V2 जिसका वेट 4 है। तो अंत में मैंने यहाँ पर V1 V4 लिख दी जिसका वेट 4 है। मैं इस 2 को यहाँ लिखे देता हूँ, कंफ्यूज ना हो। दूसरा स्टेप है क्रुस्कल एल्गोरिथम का, शॉर्टेस्ट वेट वाली एज को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले स्मॉल एज, शॉर्टेस्ट वेट की एज को कौन सा है, ऑब्वियसली पहला होगा क्योंकि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो पहली एज को हमने, अगर एक वेट की दो एजेस होती तो किसी भी एक एज को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ही है, हमने V1 को इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये हो गया। दूसरा है सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एज, तो यहाँ हमने V1 V4 को सेलेक्ट कर लिया। तो V1 V4 हमारी यहाँ क्या है, मैं यहाँ बनाते चला जाता हूँ, मेरा स्पैनिंग ट्री डेवलप होता चला जाएगा। V1 V4 को सेलेक्ट कर लिया हमने,
वेट कितना आया, 1। उसके बाद सेलेक्ट द नेक्स्ट एज विच डज नॉट, इन दोनों बाकी की जो अगली दोनों वेट्स की एजेस हैं उनमें से किसी एक एज को सेलेक्ट करना है जो प्रीवियसली सेलेक्टेड एज के साथ सर्किट ना बनाती हो। क्या कंडीशन है? सर्किट ना बनाती हो। तो नेक्स्ट स्टेप है सेलेक्ट नेक्स्ट एज विच डज नॉट मेक सर्किट विद प्रीवियसली सिलेक्टेड एजेस। ठीक है, तो अभी हमने कौन सी एज सेलेक्ट की थी? V2 V4 की थी, V2 V4 ये हो गया। अब V2 V4 के साथ हम अगली एज सेलेक्ट करेंगे जो कम से कम वजन की वेट की होगी। तो V2 V3 2 वेट की है, V4 V5 2 वेट की है, कोई सी भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो माना कि हमने V2 V4 सेलेक्ट की, V2 V3 सेलेक्ट की, वेयर इज V2 V3, V2 V3 ये सेलेक्ट कर ली हमने, ये वाले। क्या ये एज सेलेक्ट करने पर पुरानी वाली एज के साथ सर्किट बना रही है? नहीं बना रही है, दैट मीन्स फाइन। अगर बना रही होती तो हम सेलेक्ट नहीं करते। तो ये वाली एज भी हमारी सेलेक्ट हो गई। नेक्स्ट एज हमारी कौन सी आती है? V4 V5, जिसका वजन, जिसका वेट 2 है। तो V4 V5, क्या हम V4 V5 को सेलेक्ट कर रहे हैं? तो वो सर्किट बना रही है पुरानी वाली एजेस के साथ? नहीं बना रही है सर्किट, बिकॉज देखिए ये सर्किट नहीं बन रहा है। दैट मीन्स वी कैन सेलेक्ट V4 V5 आफ्टर दिस एज। ठीक है, तो V4 V5 को भी हमने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से हम सभी एजेस को सेलेक्ट करते चले जाएंगे, कब तक करेंगे? तो वो कहलाती है स्टॉपिंग क्राइटेरिया। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया इसका होगा स्टॉप व्हेन N-1 एजेस हैज बीन सेलेक्टेड। क्यों N-1? क्योंकि किसी भी स्पैनिंग ट्री में N-1 से ज्यादा एजेस नहीं हो सकती अगर N इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द गिवन ग्राफ। हमारे ओरिजिनल ग्राफ में कितने वर्टिसेस हैं? 5 वर्टिसेस हैं हमारे ओरिजिनल ग्राफ में। तो कितनी एजेस हमें सेलेक्ट करनी है? 4 एजेस सेलेक्ट करनी है। तो जैसे ही 4 एज सेलेक्ट हो जाएंगी हम अपना एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे। तो अभी कितनी एजेस सेलेक्ट हुई? 1, 2 एंड 3। फिर रिपीट करना है हमको। नेक्स्ट एज क्या आ रही है हमारी? नेक्स्ट एज आ रही है V1 V5, जिसका वेट 3 है। तो जैसे ही मैं V1 V5 को सेलेक्ट करता हूं तो क्या ये प्रीवियसली सेलेक्टेड एजेस के साथ सर्किट बना रही है? नहीं। ये देखिए मैंने सेलेक्ट की, कहीं कोई सर्किट तो नहीं बना अभी तक? नहीं बना। अगर सर्किट बना होता तो मैं V1 V5 को सेलेक्ट ना करता, अगली वाली एज को सेलेक्ट करता। उससे भी सर्किट बनता तो मैं उसको भी सेलेक्ट ना करता, उससे अगली वाली एज को सेलेक्ट करता, एंड सिमिलरली आई वुड हैव केप्ट गोइंग अहेड, राइट? सो ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये वाली V1 V5 भी सेलेक्ट हो गई। अब कितनी एजेस मेरी टोटल सेलेक्ट हो चुकी हैं अभी तक? 1, 2, 3 और 4। और स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है मेरा? 5-1, दैट इज 4। दैट मीन्स मेरी एल्गोरिथम फिनिश हो गई। अब मुझे जो स्पैनिंग ट्री मिला है वो स्पैनिंग ट्री है जो हर वर्टेक्स को होल्ड कर रहा है, और डेफिनेटली इस स्पैनिंग ट्री का वेट मिनिमम होगा। कितना वेट है? वेट निकाल लेते हैं इस स्पैनिंग ट्री का। वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? हम सभी एजेस के वेट को जोड़ देंगे जो हमने सेलेक्ट की हैं। सेलेक्ट की हैं 1 वेट की एज सेलेक्ट की, फिर दूसरी 2 वेट की एज सेलेक्ट की, फिर तीसरी 2 वेट की एज सेलेक्ट की, तीसरी 3 वेट की, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 9। हम कहेंगे इस ग्राफ के अंदर मिनिमल स्पैनिंग ट्री 9 वेट का है, जो कि हमने क्रुस्कल की एल्गोरिथम के सहायता से प्राप्त किया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्रुस्कल एल्गोरिथम की मदद से कोई भी मिनिमल स्पैनिंग ट्री दिए हुए वेटेड ग्राफ के अंदर निकाल सकते हैं। दूसरा एल्गोरिथम है वो कहलाता है प्रिम्स एल्गोरिथम। दूसरा एल्गोरिथम कहलाता है प्रिम्स एल्गोरिथम। तो देखते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम क्या है। सो टू फाइंड मिनिमल स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम, टू फाइंड मिनिमल स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। मैं पहले एग्जाम्पल बना लेता हूँ, उसके बाद उसके स्टेप्स को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि कैसे मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनता है।
ये मैं वेटेड ग्राफ बना रहा हूँ, एक ग्राफ बना लिया। इसकी एजेस को मैं वेट दूंगा, ये एज 4 वेट की है, ये एज 5 वेट की है, 1 वेट की ये एज है, एक और एज है इन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन कर रही है, ये 7 की है, ये 6 की है, जो क्रॉस करके मैं लिख रहा हूँ उस एज का वेट उतना है, ये 2 है और ये 3 है और ये 6 है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको V1 कहता हूँ, V2 कहता हूँ, V3, V4 और V5, ये मेरा वेटेड ग्राफ है। मुझे इसमें MST मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकालना है और वो भी प्रिम्स की एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करते हुए निकालना है। तो पहले प्रिम्स की एल्गोरिथम के स्टेप्स देख लेते हैं कि प्रिम्स की एल्गोरिथम में क्या क्या स्टेप्स हैं। प्रिम की एल्गोरिथम किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट होती है, तो रैंडमली सेलेक्ट एनी वर्टेक्स, शुरुआती क्या है इसका, कोई भी एक वर्टेक्स हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट एनी वर्टेक्स, कोई भी एक वर्टेक्स हमने स्टार्ट कर दिया और मैं साथ साथ एग्जीक्यूट करते चला जाता हूं इस एल्गोरिथम को। माना कि मैंने V4 सेलेक्ट कर लिया, मैं V5 भी कर सकता था, मैं V3 भी कर सकता था, मैं V2 भी कर सकता था, मैं V1 भी कर सकता था, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो कोई सा भी, रैंडम का मतलब रैंडमली, ठीक है। इसके ऊपर जितनी भी एजेस इंसिडेंट हैं, उन एजेस में जिस एज का भी वेट सबसे कम हो उस एज को सबसे पहले सेलेक्ट कर ले, ठीक है। तो दूसरा स्टेप इसका क्या है, सिलेक्ट द मिनिमम वेटेड एज इंसिडेंट ऑन दिस वर्टेक्स, इस वर्टेक्स के ऊपर जो मिनिमम वेट की एज है उसको सेलेक्ट कर लें। दोस्तों बताइए, V4 पर एक एज आ रही है V5 से, एक आ रही है V1 से, एक आ रही है V2 से और एक आ रही है V3 से। इसका वेट 5, 1, 2 एंड 7, विच इज द लीस्ट वेट, 1 इज द लीस्ट वेट। तो किसको हम सेलेक्ट करेंगे, 1 को सेलेक्ट करेंगे, हमने 1 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप में यह है कि ये जो सेलेक्टेड एज है या एजेस हैं, तो उनमें जो भी वर्टिसेस शामिल हैं उन सभी वर्टिसेस के ऊपर जितनी एजेस इंसिडेंट हो रही हैं उन सब में मिनिमम वेट वाली एज को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उनमें सब मिनिमम एज, सो सेलेक्ट द मिनिमम, ध्यान से देखेंगे, मिनिमम वेटेड एज इंसिडेंट ऑन द वर्टिसेस इंक्लूडेड इन ऑलरेडी सिलेक्टेड एजेस। Such that a new vertex is also selected. क्यों ऐसा, new vertex is also selected means सर्किट ना बने। अगर हम उन्हीं वर्टिसेस के बीच में से सेलेक्ट कर लेंगे तो 100% कोई ना कोई सर्किट बन जाएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूं। तो सेलेक्ट द मिनिमम वेटेड एजेस इंसिडेंट ऑन द वर्टिसेस इंक्लूडेड इन द ऑलरेडी सेलेक्टेड एजेस। तो अभी तक हमारी ऑलरेडी सेलेक्टेड एजेस कौन सी हैं, एक ही एज है हमारे पास V1 V4, कौन से वर्टिसेस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, V1 एंड V4। अब V1 पर जितनी भी एजेस इंसिडेंट हो रही हैं उनका वेट एंड V4 पर जितनी भी एजेस इंसिडेंट हो रही हैं उन सब का वेट, इन सब वेट्स में से जिसका मिनिमम वेट होगा उस वेट को सेलेक्ट कर, उस एज को सेलेक्ट करेंगे और उसमें यह ध्यान रखेंगे कि एक वर्टेक्स कोई नया आएगा, यानी कि V1 और V4 ना शामिल हो। तो देखते हैं दोस्तों, V1 पर हमारी दो एज सेलेक्ट हो रही हैं, 4, 6 और 3, तीन एजेस सेलेक्ट हो रही हैं, 4, 6 और 3। तो मैं यहां लिख लेता हूं 4, 6 और 3। V4 पर हमारी सेलेक्ट इंसिडेंट हो रही है 5, 2 एंड 7, तो मैं उसको भी लिख लेता हूं यहां 5, 2 एंड 7। इनमें मिनिमम वेट किसका है, मिनिमम वेट इज 2 और वो किसका है,
V4 V2 का, तो कौन सी एज मैं सेलेक्ट करूंगा, मिनिमम वाली करूंगा। सो ये मैंने सेलेक्ट कर ली, देखिए नया वर्टेक्स आ गया V2, एक नया वर्टेक्स आ गया, सच दैट ए न्यू वर्टेक्स इज आल्सो सिलेक्टेड। तो एक नया वर्टेक्स सेलेक्ट हो गया यहां पर V2। इसी प्रोसेस को मैं रिपीट करता रहूंगा Repeat 3 अनटिल स्टॉपिंग क्राइटेरिया इज रीच्ड। स्टॉपिंग क्राइटेरिया का मतलब अनटिल n-1 एजेस, कितनी एजेस होनी चाहिए किसी भी स्पेनिंग ट्री में, n-1। मेरे ग्राफ में 5 वर्टिसेस हैं तो कब तक मैं रिपीट करूंगा, जब तक कि 4 एजेस, 5-1, 4 एजेस ना सेलेक्ट हो जाएं, n-1 एजेस आर सिलेक्टेड। ठीक है, तो अब फिर से मैं रिपीट करूंगा, तो अब रिपीट मैं इसको हटा देता हूं, यहां से ये हो गया। अब मैं फिर से सेलेक्ट करना जा रहा हूं, तो अब मेरी एजेस कौन कौन सी हैं, V1 V4 और V4 V2। तो अब मैं देखूंगा V1 के ऊपर इंसिडेंट एजेस, मैं देखूंगा V4 के ऊपर इंसिडेंट एजेस, और मैं देखूंगा V2 के ऊपर इंसिडेंट एजेस। V1 के ऊपर इंसिडेंट एजेस है 4, जिसका वेट 4 है, 3 है लेकिन 3 ऑलरेडी सेलेक्टेड वर्टेक्स पर मिल रही है और ये क्या बना देगी, लूप बना देगी, इस वजह से मैं 3 को कंसीडर नहीं करूंगा, V1 V2 को कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने आगे इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये क्या बना देगी, तो इस वजह से नया वर्टेक्स की तरफ मुझे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 4 को किया, ये लूप नहीं बनाएगी 6 वाली, 6 को किया, V1 का काम खत्म। V4 के ऊपर एक 5 इंसिडेंट है और एक 7 इंसिडेंट है, दोनों ही लूप नहीं बना रही हैं, और V2 के ऊपर 3 इंसिडेंट है जो कि लूप बना देगी, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन 6 इंसिडेंट है जो कि लूप नहीं बना रही है, उसके अलावा तो कोई और इंसिडेंट नहीं है। मिनिमम वेट किस एज का है, मिनिमम वेट 4 वाली का है, 4 वाली का मतलब V1 V5, तो मैं किसको सेलेक्ट करूंगा, V1 V5 को। अगले स्टेप पर पहुंचूंगा, क्या n-1 एजेस सेलेक्ट हो चुकी हैं, n-1 का मतलब 4 एजेस, 5-1, कितने n है यहां, 5-1 4, तो 4 एजेस सेलेक्ट हो चुकी हैं, नहीं 4 एजेस सेलेक्ट अभी नहीं हुई हैं, तो मैं फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करूंगा। अब फिर से मैं देखता हूं V5 के ऊपर एक एज है लेकिन वो क्या बना रही है, लूप बना रही है, मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा। V1 के ऊपर एक एज है 3 जो कि लूप बना रही है, मैं कंसीडर नहीं करूंगा। 6 है जो कि लूप नहीं बना रही है, मैं उसे कंसीडर करूंगा, कितना क्या, व्हाट इज द वेट, 6 वेट, मैं उसको कंसीडर करूंगा। V4 के ऊपर 5 है जो कि लूप बना रही है, कंसीडर नहीं करूंगा, लेकिन 7 है जो लूप नहीं बना रही है, कंसीडर करूंगा। उसके बाद कौन सा एक वर्टेक्स और ऑलरेडी सिलेक्टेड का रह गया, V2 के ऊपर 3 है जो कि लूप बना रही है, कंसीडर नहीं करूंगा, और 6 है जो कि लूप नहीं बना रही है, कंसीडर करूंगा। तो अब इन 3 एजेस में से जो भी मिनिमम वेट की एज होगी उसको मैं पिक कर लूंगा, तो 6 और 6, ये 2 एजेस हैं जिनमें से मैं कोई सी भी ले सकता हूं, तो जो आप कहें वो ले, हम लोग ले सकते हैं, तो 6 एज के लिए मैंने, तो ये दिस इज योर 6 एजेस, तो ये अब आपका मिनिमल स्पैनिंग ट्री बन गया। देखिए स्टूडेंट्स, इस स्पैनिंग ट्री में सभी वर्टिसेस आ गए, हाँ स्पैनिंग ट्री की परिभाषा के अनुसार सभी वर्टिसेस उस स्पैनिंग ट्री के अंदर आने चाहिए, ग्राफ के सभी आ गए, और ये कनेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड सब ग्राफ है इस दिए हुए ग्राफ का। इसका वेट कितना होगा, अगर मैं वेट निकालूं इसका, तो वेट निकाल लेते हैं, सभी एजेस का वेट जोड़ देते हैं, 4 + 1 + 2 + 6 6 2 8 1 9 4 13, तो एक तमाम स्पैनिंग ट्रीज के बीच में से हमने एक स्पैनिंग ट्री सेलेक्ट किया जिसका वेट 13 है, और ये एक मिनिमल स्पैनिंग ट्री है, और किस मेथड से निकाला हमने, हमने निकाला प्रिम्स एल्गोरिथम के मेथड से। सो दोस्तों, दोनों एल्गोरिथम्स मैंने आपको बता दी, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम और प्रिम्स एल्गोरिथम, जिनके दोनों की सहायता से हम किसी भी दिए हुए वेटेड ग्राफ में मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने छोड़ रहा हूं, इन एग्जांपल्स को आप घर पर वर्कआउट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट हो। पहला एग्जांपल मैं ग्राफ दे रहा हूं आपको, नोट कर लेंगे,
और हर ग्राफ पर दोनों एल्गोरिथम्स आप एग्जीक्यूट करेंगे, प्रिम्स भी और क्रुस्कल भी, और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या दोनों से एग्जाम जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है। मैं इस पर वेट आपके लिखे देता हूं, टू आउटर वेट पहले लिख रहा हूं 2659 7, अंदर के वेट थोड़ा ध्यान से रखेंगे, मैं जिस एज को क्रॉस कर रहा हूं वो उस एज का वेट है, जिस एज को क्रॉस कर रहा हूं वो उस एज का वेट है। तो ये 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 8, 6, 4 ये हो गया, एंड 3 एंड 8 ये हो गया। अब कौन कौन सी एज बची, 3 और ये बची 8। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, आप प्रिम्स और क्रुस्कल दोनों से इसको सॉल्व करेंगे घर पर। दूसरा अपने आप दूसरा एग्जाम्पल, मैं दूसरा और एग्जाम्पल आपको दिए दे रहा हूँ, उसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और दोनों ही मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। प्रिम्स और क्रुस्कल दोनों से मैं इसके वेट्स लिखे दे रहा हूं, 6, 3 आउटर वेट्स पहले लिख रहा हूं, 6, 3, 9 10, 10, 7 मैं इनर वेट्स लिख रहा हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं इनर वेट्स में। सो 8, 4, 4, 7, 5, 4, 7, 5 and 11 तो इन दोनों उदाहरणों को, दोनों एग्जाम्पल्स को आप प्रिम्स और क्रुस्कल दोनों की सहायता से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगली कंसेप्ट है फंडामेंटल सर्किट। किसी भी ग्राफ के अंदर मैंने अभी अभी आपको बताया कि बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं, किसी भी ग्राफ के अंदर बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं। मैं ग्राफ ले रहा हूं, V1, V2, V3, V4, V5, V6 इस ग्राफ के अंदर मैं कोई भी एक रैंडम स्पैनिंग ट्री ले लेता हूं। यहां मिनिमल की बात नहीं हो रही है क्योंकि वेट नहीं दिए हैं, अगर वेट नहीं दिए तो मिनिमल की बात नहीं होगी। मैं कोई भी एक स्पैनिंग ट्री इसके अंदर ले ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक स्पैनिंग ट्री इसके अंदर ले लिया, टोटल वर्टिसेस 6 हैं दोस्तों, तो इस स्पैनिंग ट्री के अंदर मैं 5 एजेस आएंगी। मैं इन एजेस का नाम भी लिखे देता हूँ, ये E1 है, E2 है, E3 है, E4, E5, E6, E7, E8, E9, that's it। तो आप ध्यान से देखें स्पैनिंग ट्री V1, E1, V6, E6, V5, E7, V4, E3, V2, this is the spanning tree। अगर मैं इस स्पैनिंग ट्री में जो जिग जैग लाइन से हमारा बना हुआ है वो स्पैनिंग ट्री है, अगर इस स्पैनिंग ट्री में मैं कोई भी एक कॉर्ड पुट कर दूं तो एक सर्किट बन जाएगा। देखिए E9 एक कॉर्ड है, E8 एक कॉर्ड है, और E4 एक कॉर्ड है, और E5 एक कॉर्ड है, वो सभी एजेस जो स्पैनिंग ट्री में शामिल नहीं होती हैं उन सभी एजेस को हम लोग कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो E9 एक कॉर्ड है, E8 एक कॉर्ड है, E4 एक कॉर्ड है, E5 एक कॉर्ड है, बाकी सब चीजें क्या हैं, ब्रांचेस हैं। तो अगर मैं किसी भी एक कॉर्ड को इस स्पैनिंग ट्री के अंदर शामिल कर दूं तो एक सर्किट बन जाएगा, उस सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल सर्किट कहते हैं। परिभाषा लिखिएगा, बाई एडिंग वन कॉर्ड टू स्पैनिंग ट्री ऑफ गिवन ग्राफ ए सर्किट इज क्रिएटेड। दिस सर्किट इज कॉल्ड फंडामेंटल सर्किट। व्हाट इट इज कॉल्ड, फंडामेंटल सर्किट।
अब E5 को जैसे ही मैंने इसके अंदर शामिल किया, इस मिनिमम किसके अंदर शामिल किया, स्पैनिंग ट्री के अंदर, तो एक सर्किट बन जाएगा आपका। देखिएगा इसको शामिल करते ही ये एक सर्किट बन गया, तो ये सर्किट क्या कहलाएगा, फंडामेंटल सर्किट। E4 को शामिल करूंगा मैं तो सर्किट कौन सा बनेगा, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा सर्किट बनेगा। कैसे बनेगा, V4, E7, E1, V1, E2, V2, E3, V3, E4, V4, E4 को शामिल किया मैंने। ऐसे ही अगर मैं E9 को शामिल करूंगा तो सर्किट कौन सा बनेगा, ये सर्किट बनेगा। कौन सा सर्किट बनेगा, V6, E1, V1, E2, V2, E9, V6। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, फंडामेंटल सर्किट्स। ये खाली सर्किट नहीं कहलाएंगे, फंडामेंटल सर्किट कहलाएंगे। इनकी खूबसूरती होती है कि इनमें सभी ब्रांचेस होती हैं और सिर्फ एक कॉर्ड होती है। यहां देखिएगा V6 और E7 ब्रांच हैं और E5 कॉर्ड है। इस वाले सर्किट में देखिएगा E7, E1, E2 और E3 ब्रांचेस हैं और E4 क्या है, एक कॉर्ड है। इस वाले सर्किट में देखिएगा E1 और E2 दोनों ब्रांचेस हैं और E9 एक कॉर्ड है। ऐसे बने हुए सर्किट्स को हम फंडामेंटल सर्किट कहते हैं। दोस्तों किसी भी दिए हुए ग्राफ के अंदर कितनी कॉर्ड्स संभव हैं, अगर ई एजेस हैं किसी भी ग्राफ के अंदर, एन वर्टिसेस हैं उस ग्राफ के अंदर, तो हाउ मेनी कॉर्ड्स, कितनी कॉर्ड्स संभव हैं, मैंने पिछले भाग में बताया था आपको E-N+1। कितनी कॉर्ड संभव हैं, E-N+1, एजेस की संख्या माइनस वर्टिसेस की संख्या प्लस वन। ठीक है, यहीं का एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो यहां पर टोटल एजेस थी हमारी 9, वर्टिसेस हमारे थे टोटल 6+1, इसका मतलब हुआ 4। तो 4 कॉर्ड्स होंगी, तो देखिए 4 कॉर्ड्स थी E5, E4, E8 और E9। तो इसका मतलब कितने फंडामेंटल सर्किट्स बन सकते हैं, जितनी कॉर्ड्स होंगी उतने फंडामेंटल सर्किट्स बन सकते हैं। अभी हमने कौन सा फंडामेंटल सर्किट नहीं बनाया है इसमें, E8 वाला नहीं बनाया, तो E8 को अगर मैं शामिल कर दूंगा तो फंडामेंटल सर्किट कौन सा बनेगा, वो फंडामेंटल सर्किट ये वाला बनेगा, वो फंडामेंटल सर्किट ये वाला बनेगा। ठीक है, तो जितनी कॉर्ड्स उतने फंडामेंटल सर्किट्स, जितनी ब्रांचेस उतने फंडामेंटल कट सेट्स। कट सेट्स मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में बता ही चुका हूं। तो फंडामेंटल सर्किट उतने ही होंगे जितनी संख्या कॉर्ड्स की होगी। इसी के साथ हम स्पैनिंग ट्री की कंसेप्ट को विराम देते हैं। कोई भी अगर आपका प्रश्न हो, आप मुझे मेरी ईमेल आईडी tipendra@gmail.com पर मार्क कर सकते हैं।